नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। और आज चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम अपना लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि मैथमेटिक्स का है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो 8800440559 पर आप जो है फ़ोन करें और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो ज़रूर पूछिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1, यानी कि उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। But before we begin this session, I would like to share the message of G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit in the country for the first time in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam or the world is one family. So let's begin this session without wasting a second, because statistics is very important. ये होता क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मिसेज बीना प्रकाश जी हैं, आप कैंपियन स्कूल भोपाल से हैं। बीना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, गुड टू ऑल माय लर्नर्स। थैंक यू वेरी मच। स्टैटिस्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आपसे सामान्य भाषा में जानना चाहूंगा कि आखिर सांख्यिकी होती क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, फिर आप शुरू करें। स्टैटिस्टिक्स, अब आप देखिए, दिस इज एक्चुअली आपके अराउंड कुछ ना कुछ नंबर रिलेटेड रहता है। जैसे आप केवल आपके नेबरहुड में कितने सारे फैमिलीज हैं जिनके दो बच्चे हैं, जिनके एक बच्चा है या तीन बच्चे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। दूसरा, जिनके घर में एक टू व्हीलर है, दो टू व्हीलर्स है या तीन टू व्हीलर्स है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब कलेक्ट करते हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। अब इस डेटा का हमें पर्पस क्या है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी के एवरेज फैमिली के बच्चों का क्या नंबर्स है। तो ये हमें जब तक आपके कॉलोनी में जितने भी फैमिलीज है उनके नंबर ऑफ बच्चे नहीं मिलेंगे अपने को, तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। राइट। अब उसमें ये भी है कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, ये सब एनालिसिस के करने के बाद फिर आप उसके आगे उस फर्दर जो भी आप प्लान आउट करते हैं, जैसे कितने बच्चे हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 12, विद इन 10 years और 10 to 15, तो ये 10 years बिलो वाले बच्चों को हम कौन सा गेम्स अपने कंपाउंड के अंदर रख सकते हैं जहाँ बच्चे सेफली खेल सकते हैं, जितना जगह आपके पास है उसमें इन बच्चों का वो ग्राउंड बना सकते हैं क्या, इतने बच्चे हम अकोमोडेट कर सकते हैं क्या, तो ये सब चीजें आप प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब मंथली इनकम, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आप जो सैलरी मिलता है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बाइफोकेट करते हैं, उसके बाद आप प्लान आउट करते हैं। तो एक एवरेज मंथली आप ले लेते हैं, सारे 2-3 महीने का एक साथ लेके आप डिसाइड करते हैं ना, इस पर इस महीने में हमने इसमें ज्यादा खर्च कर लिया, अगले आगे आगे 2-3 महीने में हम खर्च नहीं कर पाएंगे। ये सब हम कब कर पाते हैं, जब हमारे पास इसका डेटा है। डेटा मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमने इतना अमाउंट हमने इसमें एक्सपेंस किया हमारा हुआ है, इतना अमाउंट हमने पेट्रोल में दे रहा था, हमने खूब ज्यादा घूमा है इस बार, तो हम 2 महीने आगे थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हम एवरेज जो हमने सोचा है साल भर के लिए अपना पेट्रोल का अमाउंट जो हमने सोच कर रखा है उसको हम एक्सीड नहीं करना, क्योंकि हमें सब प्लान आउट करना पड़ता है पूरा लाइफ का। इस प्लानिंग के लिए वी रिक्वायर अ डेटा। So that is what statistics stands for. Statistics is actually the science concerned with developing and studying methods for collecting, analyzing, interpreting and presenting the empirical data. तो जो भी आपके पास data है उसको आपको interpret करना आना चाहिए, तभी हम उसको use कर सकते, उस data को use करके आगे कुछ उसके काम कर सकते हैं। ठीक है। So that is what statistics. अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। First हम जो discuss कर रहे हैं वो है pictorial representation of the data. अब आप देखिए, मैं आपको एक डेटा, आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। आपको एक पिक्चर दिख रहा है सामने आपके? Yes, yes. आपको ग्राफ शीट दिख रहा होगा। ग्राफ शीट में आपको दिख रहा है कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जी। है ना, कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, क्लियर है ये? Yes, yes. क्लियर है ना? तो इसमें आप ये पिक्चर आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ समझ पाएंगे इस पिक्चर को देख के। हाँ, उसमें जो बार्स हैं वो बता रहे हैं कि कोई डांस है, कोई म्यूजिक है, कोई आर्ट है, कोई क्रिकेट है, कोई फुटबॉल है। उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इसका मतलब क्या है? यही मैंने कहा, आप अपने कॉलोनी के कुछ बच्चों के बारे में मालूम, आपको मालूम है हमारे कॉलोनी में 50 बच्चे। ठीक है, ठीक है, ये तो है 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास की बात कर रहे हैं।
आप ये एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब ये 50 बच्चों के क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इस पिक्चर को देख के, कि कुछ बच्चे जो है ये इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज इतने बच्चे जो है 30 बच्चे जो है डांस एक एक्टिविटी यूज कर रहे हैं. दूसरा ये जो पर्पल कलर का ये दिख रहा है वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं. फिर 25 स्टूडेंट जो है आर्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं. फिर 20 स्टूडेंट्स उस क्लास के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 35 स्टूडेंट्स उस क्लास के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देना था एज अ टीचर टू द ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मुझे इन्फॉर्मेशन देना था कि ये देखिए ये है मेरे क्लास का एनालिसिस. दैट इज मैंने समझ लिया कि इतने बच्चे डांस में इंटरेस्ट है और डांस अच्छा करते हैं, इतने बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट और म्यूजिक में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये देख के अब पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ डिसाइड करने का काम आ सकता है ना. आपको देखिए मेरा बच्चा अगर डांस नहीं करता है बट वो आर्ट में है, ठीक है कोई बात नहीं. मेरा बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है बट म्यूजिक में है, कोई बात नहीं, किसी ना किसी है. बट अगर मैंने देखा इसमें लिखा है 50 बच्चे हैं, तो इस 50 बच्चों में ऐसा भी हो सकता है कि एक आध बच्चे किसी में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं. तो एज अ पेरेंट मैं कुछ प्लान आउट कर सकती हूँ. तो ये इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन से अलावा, ये पिक्चर के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन दे रही अपने क्लास के बच्चों के बारे में. एक पेरेंट्स मीट में मैं इंफॉर्मेशन देने से पेरेंट्स अपना एनालाइज करके अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं बेटा आप इसमें जाइए इसमें जाइए. ये है एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सर्टन इंफॉर्मेशन फॉर फॉर ग्रुप. ये ग्रुप का 50 स्टूडेंट्स है. तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक डांस, कितने बच्चे डांस खेलना पसंद करते हैं. ये जो रेक्टेंगल बॉक्स जो है ये एक एक एक्टिविटीज का रिप्रेजेंटेशन है और उसके जो लेंथ जो है ये विड्थ आप देखे इक्वल विड्थ है सब रेक्टेंगल का और लेंथ जो है अलग अलग है. तो लेंथ के ऊपर एक नंबर लिखा है, दैट इज फर्स्ट लेंथ जो एक्टिविटी लिखा है 30, उसके ऊपर जो एक्टिविटी डांस है उसके ऊपर का जो नंबर 30 है. ये नंबर ये करेस्पॉन्डिंग नंबर दिखा है ना ये 30 के बराबर है. सो व्हाट इज इट रीडिंग, इट रीड्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो 30 बच्चे मेरे क्लास के डांस में इंटरेस्टेड है और डांस करते हैं. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक डांस, देयर आर 30 स्टूडेंट्स. देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु लाइक्स डांस. हाउ मेनी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, देयर आर 20 हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. है ना. सो थ्रू दिस वी आर एबल टू आंसर सर्टन or get certain informations, whoever requires it. So this is a very good way of explaining certain facts to the person across, that is public, जिसको भी आपको information देना है. So that's pictorial representation, ठीक है? Okay. आप एक और pictorial representation देखिए. ये है information on the expenses on the construction of a house. Total cost of the construction is suppose 25 lakhs है, ठीक है? Okay. तो मैंने आपको एक information दिया है और मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्या आप इसको देख के कुछ एनालाइज कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो क्या इसको देख के? इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको कि जो अमाउंट जो मेरा खर्च हुआ है वो कैसे खर्च हुआ है? मैंने 25% लेबर का एक्सपेंस है ना, और 10% मैंने टिम्बर में खर्च किया है, 20% मैंने सुपरविजन में किया. तो मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया ना, पिक्चर से मैंने एक्सप्रेस कर लिया ना, मेरा पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको. जी, दिस इज द वे वी कैन एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स टू व्होमएवर यू वांट टू एक्सप्लेन. सो दिस आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गिविंग सर्टेन इंफॉर्मेशन. तो इसमें से आपको हाउ मच इज द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आएगा इसका 25%. व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन द मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या क्या यूज किए, सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड टिम्बर. तो आपको इन सबका एडिशन करके आपको उसको निकालना है. तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द अदर वे, दैट इज आप लेबर और सुपरविजन मटेरियल नहीं है तो उसको हटा देते हैं फ्रॉम द टोटल अमाउंट. कितना परसेंट हटा रहे हैं आप? 40% हटा रहे, क्योंकि 25% एंड 15% इज लेबर एंड सुपरविजन. दैट इज 40% लेबर एंड सुपरविजन हो गया. तो 60% ऑफ 25 लाख्स विल बी द अमाउंट दैट इज स्पेंड ऑफ द मटेरियल. राइट. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन भी है. ओके, ठीक है. सो हमें जो सिलेबस में जो है वो एक्चुअली वी हैव
हमारे सिलेबस में जो है वो है ग्राफिकल, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में वी हैव थ्री फॉर्म्स, दैट इज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ एक्चुअली इज ऑल्सो नोन एज बार चार्ट. इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग अगेन रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज. The heights of each bar is proportional to the measure of the data. जैसे अभी आपने ये वाला देखा भी, the first presentation देखा. इसमें हमने क्या देखा? कि rectangular bars है of equal width and they define different activities. So this is a bar graph. इस particular pictorial representation को बोलते हैं bar graph. This is known as bar graph. एंड इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं पाई चार्ट. ओके, पाई चार्ट. तो हमारा सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो है वो है बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें कैसे देखिए, ये एक सर्वे है. ये अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग वीमेन बिटवीन द एज ग्रुप्स 15 to 44 इन ईयर्स. 15 to 44 क्या है? एज ग्रुप. वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स. इट्स फाउंड दैट इट्स परसेंटेज. ठीक है, तो वो क्या है कि इट्स अ सर्वे जहां हमने लेडीज वीमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 और 44 के बीच में जो बीमारी है और डेथ का रीजन ढूंढने के लिए हमने एक एनालिसिस किया. तो हमें क्या दिखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण 31.8% फीमेल का डेथ होता है. न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के कारण 25.4% वीमेन का डेथ होता है या बीमारी होती है. कुछ इंजरीज के कारण भी होता है, कुछ कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के कारण भी होता है, कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशन और इसके अलावा भी कई कॉजेज है. तो अगर कॉजेस चलो है छोटे हो सकते हैं, छोटे छोटे है, उसको सबको क्लब करके एक इंफॉर्मेशन डाल. तो आप ये तो हमारे पास डेटा है, अब इसको रीड करना है तो यू कैन रीड इट एज अ टेबल. अब रीड करने के अलावा अगर आपने ये फिगर देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलता है सब चीजें. आप कुछ इमीडिएटली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं. इसमें देख के समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल जो है ऑलमोस्ट छोटा है और ऑफ द सेम हाइट. तो दैट मीन्स ये दोनों के वजह से डेथ कम होता है. और ये कौन सा कंडीशन है? दिस इज द सिक्स, दैट इज 4.3. दिस इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन. और ये जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन, दैट इज जो लेडीज का डेथ होता है और बीमारियां हो रही है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44, उनका डेथ या बीमारी का कारण कम है. दैट इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन और रेस्पिरेटरी कंडीशंस कम है. सबसे ज्यादा किसका, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट हाइट? देखो इसका सबसे ज्यादा लेंथ दिख रहा है. विड्थ तो सबका बराबर है, किसका सबसे ज्यादा लेंथ दिख रहा है? विड्थ को पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये सबसे ज्यादा हाइएस्ट दिख रहा है. इसका मतलब डेथ और इलनेस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो इसके कारण तो वी कैन ऑलवेज प्लान आउट नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप. दैट इज हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी कैन प्रोवाइड सम हेल्प टू द लेडीज ऑफ दैट ग्रुप सो दैट वी कैन रिड्यूस इट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ये एक एज ईयर का होगा, तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया फॉर देयर इम्प्रूवमेंट उसके कारण ये कम हो सकता है. तो ये सब हम इस आगे इंफॉर्मेशन से ही हम कर सकते हैं. कुछ हेल्प करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ बार ग्राफ. सो हाउ डू वी मेक दिस बार ग्राफ? बार ग्राफ बनाने का क्या तरीका है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, वी हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस में वी मेक यूज ऑफ द डिविजन्स. दैट ये एक्स एक्सिस, ये इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस. This is x-axis, this is origin, this is x dash and this is y dash. अब हमें एक एक यूनिट का हम विड्थ वी हैव डिसाइडेड, हम स्केल डिसाइड करेंगे कि एक एक यूनिट जो हमें विड्थ चाहिए वो उस विड्थ का ही हम
सारे रेक्टेंगल्स का विड्थ लेंगे. तो आई हैव टेकन वन यूनिट एज द विड्थ. नाउ लेंथ के लिए व्हाट एवर नंबर दिस इज इसको हमें मार्क करना है. ये अब कैसे मार्क किया जाए? सी द वैल्यूज दैट वी हैव. इसमें हमने 5 यूनिट लिखा है. दिस इज 10 यूनिट. दिस इज 15 यूनिट्स. दैट्स 20 यूनिट. 25 यूनिट्स. तो ये ग्राफ पेपर में हमें डिसाइड करना है कि कितने यूनिट्स हम बांटें. ओके. सो दैट मींस ये जो 10 डिविजन्स है ग्राफ पेपर में आपको क्लियरली ये 10 डिविजन्स दिखेंगे. ये 10 डिविजन्स इज 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स यहां इसका मीनिंग क्या है? दिस इज द रेट. ऑन वाई एक्सिस वी हैव द रेट. रेट व्हिच इज इन परसेंटेज. तो ये जो परसेंटेज वाली बात है दिस विल बी इन. ये जो पार्ट है दिस इज इन परसेंटेज. तो आपको 31.8% मार्क करना है. सो हाउ डू वी मार्क? क्योंकि इसके नेक्स्ट डिविजन 35 है. तो 35 और 30 और 35 के बीच में है. तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 32. तो इट इज वेरी क्लोजर टू लिटिल लेस देन हाफ ऑफ दिस लेंथ यूनिट. इसका पूरा लेंथ अगर 5 यूनिट्स है तो उसे थोड़ा सा हाफ से कम है. Right. वो पॉइंट हम मार्क करके विल मेक अ रेक्टेंगल ओवर है. ठीक है. लाइकवाइज ये दूसरा रेक्टेंगल हम बना रहे हैं. दैट इज 25.4. 25 से थोड़ा ऊपर है. 26 एंड 25 के बीच में. देन इट इज 12.4. ये देखिए 12.4 विड्थ सेम होना चाहिए. सबका विड्थ सेम है. एक जैसा विड्थ है. सो वी गो इन फॉर ऑन द वाई एक्सिस द statistical information, the data जो है. And on x-axis, we are marking the activities, जो activity हमारे पास है. This is the activity that you have. The activity यहाँ पे क्या है? कि हमने different types of disorder, मतलब problems search किए. So this is how one bar graph is constructed. Okay. ठीक है? अब इस इन ग्राफ को देख के आपको इस इन्फॉर्मेशन का आंसर करना इजी हो गया कि नहीं? देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली हो गया. विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज फॉर वुमेन्स हेल्थ इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? राइट. देख के क्लियर. व्हाट इज दैट? सबसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. बिगेस्ट रेक्टेंगल इज दिस. हेंस दिस इज द कॉज. सो व्हाट इज दैट? इट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. ठीक है. ओके. सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट. अब इन्होंने दिया नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली. अब ये भी एक चीज, इसका भी इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास है. पॉलिटिकल पार्टीज है एक. और देयर आर 6 पॉलिटिकल पार्टीज. ए बी सी डी ई एफ पॉलिटिकल पार्टीज है. सीट्स वन. पार्टी ए हैज 175 सीट्स. बी हैज 155 सीट्स. ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स वन बाय द रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी. तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ. अब सेम इंफॉर्मेशन से वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस डिफरेंट एक्टिविटीज. एंड व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट वी हैव टेकन? इलेक्शन. इट इज द पॉलिटिकल पार्टी. राइट. सो दिस रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल पार्टी. फाइन. नाउ व्हाट आर द पार्टीज दैट वी हैव? दैट इज पार्टी ए, पार्टी बी, C, D, E, F. And each rectangles जो है इसके सेम width है. अब numbers जो दिया है इसमें जो numbers जो दिया है वो यू है. It is 75, 55, 37, 29 and so on. And when you see the graph paper, the first division that we have, आप अगर 1, 2, 3 लेंगे तो we will not be able to cover up these numbers. तो हमें अगेन डिसाइड करना है व्हाट शुड दिस डिवीजन बी मार्क्ड एज. लाइक मैंने मार्क किया है इसको एज 10. दिस इज 10. दिस इज 20. दिस इज 30. 40. 50. 60. 70. एंड ऊपर वाला 75. सो फर्स्ट पार्टी ए है 70 और 80 के बीच में 75. तो ये इसका लेंथ हुआ 75. सेकेंड पार्टी बी उसका लेंथ 55. नेक्स्ट पार्टी सी इसका लेंथ थर्ड हाइट 37. नेक्स्ट डी का 29, ई का 10 एंड एफ का 37.
एक जस्ट फर्स्ट ग्लांस में आपको ये क्लियर पिक्चर दिख रहा है कौन सा विनिंग पार्टी है, कौन सा सबसे कम लीस्ट सीट इस गेम के लिए है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल गया कि नहीं? राइट राइट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ बार ग्राफ। ठीक है बीना जी, यू हैव हार्डली 2 मिनट्स, प्लीज। अरे ओके सर, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके देन आई जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। नाउ हिस्टोग्राम इज एग्जैक्टली द सेम बट विद द डिफरेंस। द डिफरेंस इज कि यहाँ हमें एक्टिविटीज नहीं है, एक एक्टिविटी का डिफरेंट रेंजेस दिया है। जैसे दिस इज समथिंग कंसीडर मार्क्स आउट ऑफ 100, दिस इज अ मार्क्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। ठीक है, कोई एग्जाम में मार्क्स दिया है अपना, किसी एग्जाम में बच्चों के मार्क्स है, दिस इज 100 ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो उसके ऊपर तो मार्क्स जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में रहेंगे। तो हमें एक क्लास का एनालिसिस करना है 50 बच्चों का, जैसे मैथमेटिक्स के पेपर में अगर एनालिसिस करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कितने बच्चों को 0 और 10 के बीच मिला है, कितनों को 10 से 20 के बीच मिला है। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमने इसको ग्रुप कर दिया है। तो वी हैव द ग्रुप in the form, that is, this is known as class interval, 20 to 30, 30 to 40, इसको बोलते हैं class interval, and the number of students corresponding to it, this is known as frequency, that is, इतने बच्चे 10 to 20, 0 to 10 के बीच में आए, जब 10 से कम एक बच्चे को मिला है, 10 से 20 के बीच तीन बच्चों को मिला है, and then we make a histogram. Now, what is histogram? Histogram is again a graphical representation of the data in the form of rectangles, but इसमें length क्या है, frequency है, and what is its breadth? That is the class interval, length of the class interval. Okay. But there is one thing that we need to know that it should be continuous. ये क्या होगा next class में? ये मुझे हाँ यही लग रहा है कि इसको जो है तफसील से जानने के लिए अगली क्लास की जो है प्रतीक्षा करनी होगी। हिस्टोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। आज आपने जो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया और बार ग्राफ समझाए, पाई चार्ट समझाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बीना जी। थैंक यू। हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर द मैसेज ऑफ G20। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर सबमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग द प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. With this positive note, would like to conclude this session, but stay tuned for the next session. Keep watching eVidya channels. Namaskar.